हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके पावरफुल स्टडी चैनल पर। दोस्तों, यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना के संबंध में एक नई अपडेट आ चुकी है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख लिए होंगे कि आज की इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूं। दोस्तों, यहां पे बहुत सारे छात्र ये भी कमेंट करके पूछते हैं कि सर पहले फर्स्ट ईयर वाले छात्रों को मिलेगा या कि सेकंड ईयर या थर्ड ईयर वाले छात्रों को मिलेगा। तो यहाँ पे सरकार की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है कि पहले किन छात्रों को मिलेगा, यानी कि पहले फर्स्ट ईयर वाले छात्रों को दे के खत्म किया है, फर्स्ट राउंड में किन छात्रों को मिलेगा और सेकंड राउंड में किन छात्रों को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे सरकार की तरफ से एक ऑफिशियल अपडेट आई थी कि 68 लाख छात्रों को टैबलेट स्मार्टफोन मिलेगा, यानी कि फर्स्ट राउंड में, और उसके बाद जो 32 लाख 1 करोड़ में से जो 32 लाख छात्र बचेंगे उसमें दिया जाएगा। तो यहाँ पे पहले जो 68 लाख छात्रों में किन छात्रों को, यानी कि फर्स्ट ईयर वाले छात्रों को दिया जाएगा या सेकंड ईयर थर्ड ईयर वालों को। तो आज को इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए, आपको सही और सटीक जानकारी दी गई। आप जैसा कि थंबनेल में देख लिए होंगे, आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन क्या बताने वाला हूं, क्वेश्चन का आंसर। तो आप इस वीडियो को सही और सटीक, यानी कि जो 2020 और 21 में पास आउट हो चुके हैं, सबसे पहले उन छात्रों के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि यहाँ पे उन्हें टैबलेट स्मार्टफोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आइए इसके पहले यहाँ पे ऑफिशियल अपडेट देख लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर साफ साफ देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक ऑफिशियल अपडेट जारी कर दी गई है। यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 7 पेज का एक ऑफिशियल अपडेट जारी किया गया है, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि 2020 और 21 में जो, यानी कि 2020 में जो छात्र पास आउट हो चुके हैं और जो छात्र इस साल पास आउट हुए हैं, यानी कि BA, BSc, BCom या आप BEd या पॉलिटेक्निक, जो भी छात्र डिफार्मा में इस बार 2021 में जो पास आउट हो चुके हैं, उन छात्रों को टैबलेट स्मार्टफोन मिलेगा। तो यहाँ पे इस अपडेट लेटर में जो है, यहाँ पे कोई भी सूचना जारी नहीं की गई है। आइए हम लोग सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं ऑफिशियल अपडेट, उसके बाद आपको कंफर्म हो जाएगा कि 2020 और 21 में जो छात्र पास आउट हो चुके हैं उन छात्रों को टैबलेट स्मार्टफोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरह मैं आपको बताऊंगा तो आपको सोचेंगे मैं आपको गलत बता रहा हूं, इसलिए आपको सही आप अपने से पढ़ेंगे ऑफिशियल अपडेट के द्वारा, तो आप जरूर समझ जाएंगे कि हमें मिलने वाला है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे छात्र जो कमेंट करते हैं कि सर 2021 में जो इस साल मैं BSc कंप्लीट किया हूँ और इस समय मैं MSc कंप्लीट किया हूँ, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं, आपका जो डाउट है क्लियर हो जाएगा कि हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आइए हम लोग पहले उसको देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक ऑफिशियल अपडेट जारी कर दी गई है। यहाँ पे ऑफिशियल अपडेट वितरण के संबंध में आवश्यक सूचना जारी की गई है। यहाँ पे ऑफिशियल अपडेट में बताया गया है कि 2000 जो छात्र 2020 में फाइनल कर चुके हैं, जैसे मान लीजिए आप BA, BSc या पॉलिटेक्निक या डिफार्मा कुछ भी आप कंप्लीट किए हों, 2020 में डिग्री फाइनल किए हों, और उन छात्रों को भी टैबलेट स्मार्टफोन नहीं दिया जाएगा। और जो छात्र 2021 में फाइनल किए हैं, यानी कि इस बार ही उनका फाइनल हुआ है, जैसे BA फाइनल हुआ है, चाहे BSc फाइनल हुआ है, चाहे पॉलिटेक्निक, यानी कुछ भी फाइनल हुआ है, यानी कि उन छात्रों को भी टैबलेट स्मार्टफोन नहीं दिया जाएगा। और जो छात्र 2021 में एडमिशन लिए हैं उन छात्रों को टैबलेट स्मार्टफोन दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे सेकंड राउंड में, यानी कि जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट राउंड में सिर्फ 68 लाख छात्रों को टैबलेट स्मार्टफोन दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे 68 लाख छात्रों में सिर्फ यहाँ पे जो स्नातक के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के छात्र हैं, इस समय जैसे मान लीजिए आप 2020 में एडमिशन लिए थे BA, BSc में, तो इस समय आपका क्या होगा, इस समय आपका थर्ड ईयर होगा। ठीक है, और जो हज़ार जो, यानी कि इस तरीके से आप मान लीजिए 2021 में आप एडमिशन लिए हैं BA में, तो आपको सेकंड राउंड में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 68 लाख छात्रों में नहीं मिलेगा आपको, और जो छात्र यहाँ पे बचते हैं उन छात्रों को, यहाँ पे 32 लाख जो छात्र बचेंगे दोस्तों, 32 लाख छात्र बचेंगे उनमें आपको दिया जाएगा। और इसलिए यहाँ पे आप साफ साफ जानकारी देख सकते हैं कि यहाँ पे एडमिशन के लिए आपको दिनांक घोषित कर दिया गया है, सिर्फ आप नवंबर तक ही एडमिशन ले पाएंगे, यानी कि कल ही 1 नवंबर तक एडमिशन लेंगे, इसके बाद आप एडमिशन किसी भी क्लास में लेंगे तो आपको टैबलेट स्मार्टफोन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पर साफ साफ जानकारी दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिया गया है कि छात्रों को डाटा जो है वह 10 नवंबर तक जो है सरकार को भेजना है। ठीक है, जो विश्वविद्यालय हैं उन वहाँ से जो छात्रों का डाटा है एकत्र करके, यानी कि फॉर्म भरवा के, और बहुत सारे कॉलेजों में फॉर्म भरवाया जा रहा है और बहुत सारे कॉलेजों में फॉर्म नहीं भरवाया जाएगा, और वहाँ का जो छात्र हैं वो फॉर्म खुद ही भर, यानी कि स्कूल वाले ही खुद भर देंगे। ठीक है, यानी कि जिन छात्रों का फॉर्म नहीं भरा गया है वो छात्र घबराए ना, उनका जो फॉर्म है वह जो कॉलेज वाले ही खुद भर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने बताया कि 10 तारीख का आपका जो टैबलेट की लिस्ट बनाई जाएगी, यानी कि 10 तारीख से शुरू कर दिया जाएगा काम। इसलिए आपको क्या करना है, आपको ये अभी कल एडमिशन ले लेना है, जो भी छात्र एडमिशन नहीं लिए हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे फाइनल हो चुका है कि 2020 और 2021 में जो छात्र BA, BSc कुछ भी कंप्लीट किए हैं उन छात्रों को टैबलेट स्मार्टफोन नहीं दिया जाएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें।